सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी केस में अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा है कि जब तक जांच ना हो जाए तब तक किसी व्यक्ति पर एससी एसटी एक्ट लगाकर उसे तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध देश भर में कई दलित संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का आयोजन करने का आह्वान किया था, जिसके अंतर्गत उसका असर गोरखपुर में भी देखने को मिला। वैसे हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार ने सोमवार को ही पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी थी, फिर भी कई दलित संगठनों को ये बात रास नहीं आई और वह भारत बंद कराने के मूड में आ गए। दलितों के इस संघर्ष का महानगर गोरखपुर में भी असर दिखाई दिया। कई दलित संगठनों ने संयुक्त होकर दुकानों को जबरन बंद कराने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर 151 के तहत चालान कर जमानत पर छोड़ दिया। हंगामा कर रहे दलित संगठन के कार्यकर्ता अपने भारत बंद को सफल कराने की पूरी जुगत में लगे हुए थे, लेकिन प्रशासन के आगे उनकी एक ना चली। वैसे इस मामले में प्रशासन ने इन सभी संगठनों को नगर निगम के पार्क में धरने के लिए आयोजन संबंधी अपनी स्वीकृति प्रदान भी की थी, लेकिन ये संगठन अपने दायरों को लांघ कर सड़कों पर उतरे, जिसका खामियाजा उन्हें अंततः भुगतना ही पड़ा।
हमारा संविधान कुछ लोग आके आ रहे हैं बातचीत के दौरान बंद का आह्वान करने वाले दलित संगठन के एक सदस्य ने कहा कि हमारे संगठन में कुछ लोग जबरन घुसकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, मामला विरोध प्रदर्शन जो SC ST एक्ट को निष्प्रभावी किया गया है, उसी के विरोध में हम लोगों ने भारत बंद का जो समर्थन क्या नाम है आह्वान किया गया है SC ST क्या नाम है संगठनों द्वारा, हम उसका समर्थन करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों से आग्रह कर बंदी कराने का आग्रह किया है, लोगों से आह्वान कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं लोग, लेकिन कुछ अराजक तत्व हम लोग के कार्यक्रम में उपद्रव मचाने का काम किए हैं, उसको प्रशासन कर रही है, आरोप लगा रही है कि हम लोगों ने किया है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं।